भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बोकारो में प्रवेश करते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोकारो धनबाद की सीमा पर तेल मोचो पुल के समीप राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम सहित कई नेता इस जुलूस में शामिल थे। इस दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे काफी लोग खड़े दिखे। राहुल गांधी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम को लेकर बोकारो के कैंप 2 स्थित जायका रेस्टोरेंट में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में आपसी समझौता हो जाएगा। गठबंधन में 28 दल एक साथ, जिसमें एक दल पलटी मार गया और हम लोग अभी भी 27 दल एक साथ है। आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ही 11 दिनों का न्याय यात्रा है। हम लोग चाहेंगे कि वहां भी इंडिया गठबंधन हमारे साथ हो, हम लोगों को खुशी होगी। मैं इस संबंध में सपा प्रमुख अखिलेश जी से भी बात की है। वहीं मणिपुर मामले में श्री रमेश ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक किसी से भी इस मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं की। मणिपुर आज भी जल रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से ही शुरू किया था। कांग्रेस हमेशा से शांति और सद्भाव रखने वाली पार्टी है। भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्पीड़न एवं प्रतिशोध पर प्रहार करने वाला है यह दल। वहीं कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि गरीब, दबे कुचले, किसान, मजदूर सभी लोग राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं। गांधी परिवार हमेशा से लोगों को मदद किया है और कांग्रेस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जाना जाता है जब लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से पूछते हैं 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रुड़केला, बाकरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है, जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी शहर में ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बोकारो इस्पात कारखाने का पहला ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की थी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम बोकारो आए हैं। ऐतिहासिक जगह है, हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी होंगे, और उसके पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात, राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है, हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे तेल की रिफाइनरियां बेचे जा रहे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे कुछ 1-2 पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही। और हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, बोकारो जैसे कारखाने न केवल आर्थिक महत्व रखते हैं पर ये सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुरक्षित होता है। यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से, और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ
का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया और आज हमारी यात्रा जो जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर स्टील सिटी बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम पांच तरह के न्याय की बात करते हैं और जब हम पांच शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति परंपरा इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि पांच तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं जो पांच लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है, तो पांच शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में पांच तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के दो तीन दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है यह एक वैचारिक यात्रा है और इसमें दो तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाए और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे, उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे।